गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक कोलकाता में जादवपुर एरिया में एक रेंटल हाउस में रह रही हूँ। तो कुछ लगभग 1.5 साल हो गया है मैं इस घर में रह रही हूँ। ये एक रेंटल हाउस है, मतलब फ्लैट नहीं है। तो मैंने कुछ सीटिंग अरेंजमेंट, कुछ डेकोरेशन किया है और कम्प्लीटली मेरे आइडिया से मैंने किया है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मेरा जो लिविंग एरिया है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए, दिस इज माय लिविंग एरिया, मतलब कोजी कॉर्नर आप बोल सकते हैं मेरे घर का। बहुत चुन चुन के एक एक सामान मैंने चूज किया है और सब कुछ मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। मतलब ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत सस्ते में और बहुत वैरायटी मुझे फ्लिपकार्ट में लगता है, इसलिए मैंने सारा कुछ फ्लिपकार्ट से ही लिया है। तो चलिए एक एक करते मैं दिखाती हूँ अब कैसे मैंने डेकोरेशन किया है मेरे लिविंग एरिया का। तो ये रहा नाइट व्यू। अभी मैंने लाइट्स ऑन कर दिया है और सारे चीज़ अब मैं आपको एकदम डिस्क्रिप्शन के साथ बताती हूँ कि मैंने क्या क्या सोचकर सारे चीज़ों को सिलेक्ट किया है। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्टन, मुझे कुछ ब्राइट कलर चाहिए था इस घर लिविंग एरिया को डेकोरेट करने के लिए। तो मैंने योलो कॉम्बिनेशन ठीक लगा मुझे, जो ब्राइट भी है और मतलब डार्क कलर भी नहीं है, क्योंकि डार्क कलर घर में लाइट कम आने देता है, इसलिए मैंने ये रखा है। और उसके साथ लाइट्स का तो मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है आपके घर के ब्यूटी का। तो एकदम स्टार्ट से मैं करती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 ऐसे अम्ब्रेला काइंड ऑफ, ये की रिंग होल्डर है, इसे लगाया है। इसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा विंडो है जो मैं दिन में ओपन करती हूँ, रात को भी ओपन करती हूँ। यहाँ से उतना ज़्यादा हवा तो नहीं आता है, बट सनलाइट बहुत अच्छा आता है। फिर मैं इस प्लांट स्टैंड पर जाती हूँ, ये भी फ्लिपकार्ट से लिया हुआ है। और यहाँ पर मेरा छोटा छोटा कुछ प्लांट्स है, मैं ज़्यादा प्लांट्स नहीं रखी हूँ क्योंकि मैं जब पुरुलिया चली जाऊंगी तो अनिर्बन के लिए हेडेक हो जाएगा मेंटेन करने में। और यहाँ पर 2 कैंडल लाइट होल्डर है जो बहुत अच्छा दिख रहा है, देखिए। अभी मैं जाती हूँ इस स्टैंड पर, यह भी फ्लिपकार्ट से लिया हुआ है। ये कॉर्नर स्टैंड बोल के आप सर्च कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका एक व्यू आता है। जिस भी कॉर्नर में आप रखो ना, ये बहुत उस कॉर्नर को एकदम डेकोरेटिव मूड ऑफ का एकदम स्टार्ट कर देता है। तो सबसे ऊपर मैंने रखा है एक ट्री को जिसमें 2 पंछी ऐसे है बैठा हुआ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक बुद्धा की मूर्ति को रखा है। आई थिंक बुद्धा की मूर्ति, बुद्धा का स्टैचू डेकोरेशन पर्पस में बहुत ही अच्छा लगता है और एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है घर पर, इसीलिए लिविंग एरिया पर बुद्धा का मूर्ति होना बहुत ज़रूरी है। और फिर मैंने यहाँ पर एक ग्रामोफोन रखा है, ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा देखने में और मुझे काफ़ी पसंद है ये। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक एक्वेरियम रखा है, वाइन की ग्लास इसका शेप है। और मेरा एक फिश है, एक फिश कुछ दिन पहले मर गया है,
और यहाँ पर मैंने दो ऐसे कैंडल लाइट होल्डर रखा है, लंटन काइंड ऑफ है, पुराने दिनों में लंटन यूज करते थे ना। तो इसी तरह से मैंने पांचों जो रैक है ये डेकोरेशन किया है। एक्चुअली मैंने सोचा था कि थोड़ा पुराने जमाने का जो चीज है ना, उसी टाइप ऑफ चीजों से मैं इस कॉर्नर को सजाऊंगी। सारे सिलेक्शन मैंने उसी बेसिस पर ही किया है। और फिर इस तरफ इस वॉल पर मैंने पूरा फोटो फ्रेम लगाया है फुल जर्नी का टिल नाउ शादी से। तो पहले ही ये मेरा शादी के दिन का पिक्चर है, ये रिसेप्शन का, और ये पोगो का राइस सेरेमनी का पिक्चर है सुबह का, एंड देन ये है मैटरनिटी फोटोशूट का जो बहुत ही अच्छा पिक्चर इसका आया था। ये पोगो का राइस सेरेमनी का पिक्चर है। फिर ये आता है, ये हम लोग रिसेंटली अयोध्या गए थे, पुरुलिया के अयोध्या हिल पर, वहां का है। और यहाँ पर है तीनों भाई बहन का पिक्चर। फिर यहाँ पर है पोगो, हम लोग लास्ट हैदराबाद गए थे दिसंबर में, ये रामोजी फिल्म सिटी का पिक्चर है। यहाँ पर पोगो को हमने जन्माष्टमी में कृष्णा सजाया था, इसी घर में घर पर ही छत पर मैंने सजाया था, उसी का ही है। और ये एक पिक्चर है, ये राइस सेरेमनी के शाम पर जो केक कटिंग हुआ था तब का है। और फिर से ये अयोध्या का ही पिक्चर है। और ये जो है ये सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद का है। तो इसी तरह से रिसेंटली जितने भी सारे अच्छे अच्छे मुझे लगा, मतलब बहुत सारे पिक्चर अच्छा है, बट मुझे ये लगा बहुत अच्छा है, इसलिए ये ही सिलेक्शन है। इसके बाद मैं सिटिंग एरिया पर सिटिंग अरेंजमेंट्स जो मैंने किया है वो दिखाती हूँ। गाइज मैंने सोफा सेट नहीं लिया है क्योंकि मुझे ना ये नीचे जो कोजी कॉर्नर होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पर एक गद्दा बिछा दिया है और साथ में मैंने येलो कलर का, मतलब मुझे कलर कॉन्ट्रास्ट येलो एंड वाइट माइंड में रख के ही करना था, इसलिए वाइट कलर का बेडशीट लिया है और कुशन लगाया है, कुशन कवर, कुशन, बेडशीट सब कुछ मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया है। और यहाँ पर एक कारपेट लगाया है, ये कारपेट बस एक है जो फ्लिपकार्ट से नहीं लिया है, ये पहले से ही हमारे पास था। तो इस तरह से मैंने मेरा लिविंग एरिया को डेकोरेट किया है। सो गाइज आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। मैंने जितना भी इस अरेंजमेंट किया है, मतलब सिटिंग एरिया को थोड़ा सा कोजी कॉर्नर बनाने का ट्राई किया है, तो इसी तरह से मैंने सजाया है। और मुझे काफ़ी यहाँ पर बैठकर रहना, मतलब टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत पसंद है। मैं फिश को देखती रहती हूँ, पोगो भी यहाँ पर खेलता है इसे, मतलब इस जो सिटिंग एरिया है, सिटिंग जोन है, यहाँ पर बैठकर। सो आज इस ब्लॉग को मैं यही से ही ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये मेरा जो अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, और चैनल में अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग अपकमिंग है, आने वाला है, तो मेरे चैनल पर बने रहिए और मुझे फॉलो कीजिए। आज बहुत अच्छा अच्छा बहुत सारे काम के चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग को लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।